हेलो यारो, तो ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है। और ये अभी हम हैं राजनगर एलिवेटेड रोड पर। आई डोंट नो आपको लोगों को आवाज़ कैसी आ रही होगी। तो दिस इज़ माय फर्स्ट व्लॉग। हेलो हेलो। तो अभी देखते हैं। अभी मैंने फर्स्ट टाइम अपना फ़ोन जो है वो मैंने पोर्ट पे लगाया है। अभी देखते हैं कैसा व्यू आता है। मौसम देख रहे हो, पहले ही बारिश होके ख़त्म हुई है। देखो बादल, पता नहीं आपको फ़ोन में नज़र आ रहे होंगे नहीं आ रहे होंगे, लेकिन चारों तरफ बादल ही बादल है। यहाँ पे थोड़ी सी धूप निकली हुई है। ये देखो हिंडन रिवर, लोग यहाँ पे रुके हुए हैं, बीच में रुक जाते हैं। UP 70 मस्त बिल्डिंग है एकदम। और सामने का नज़ारा देख रहे हो। थोड़ा सा ना मेरे को अभी डर लग रहा है, क्योंकि मैंने ना ये फ़ोन को ना हेलमेट माउंट पे लगा तो दिया है। मेरे को नहीं पता आवाज़ कैसी आ रही होगी कैसी नहीं आ रही होगी, क्योंकि मैंने ना उसको लगा तो दिया है लेकिन उसको कसा नहीं है। ये देख रहे हो, ये झील है, यहाँ पर दिख रही होगी आपको शायद। झील तो क्या ही है, तालाब ही हो रहा है। तो ये साथ में हमारे हिंडन रिवर चलते हुए आप लोगों को पूरे मज़े कराता हुआ इसलो आज। देख रहे हो भाई लाल परा कितने पे चल रहा है, पता नहीं आप लोगों को दिख रहा होगा इसमें या नहीं। अरे चलाते आराम आराम से। अरे इतना नहीं कि एकदम भगाना है। ये देखो अपने कॉलेज के भाई लोग बुलेट पे, ये तीन तीन बंदे। भाई कॉलेज लाइफ ही होती है यार। मतलब उस टाइम पे ना ऐसा लगता है कि जी लो बस इसको। और सच में ना यार स्कूल लाइफ कॉलेज लाइफ तक ही बस मज़े हैं। उसके बाद जहाँ एक बार कमाने लगे फिर तो ज़िंदगी झंडवा, और फिर भी बस समझ जाओ अभी तो फुल मज़े आ रहे हैं। अरे चाचा बाड़ोगे क्या यार, अभी घुसेड़ देते मेरे भाई। आधे लोग ना ऐसे होते हैं, मतलब ध्यान तो चलाने में रखते नहीं है, चला रहे रोड पे होते हैं और ध्यान चांद पे। मतलब गाड़ी कहाँ जा रही है, कहाँ आ रही है, कहाँ से किधर को जा रही है, कोई मतलब नहीं है, बस चलती रहनी चाहिए। अरे बाबा कितना धुआं दे रही है। अरे 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 आधा पोल्यूशन तो इसी से हो रहा है दिल्ली में भाई। सूर्यदेव आपके चक्कर में आज घर से चप्पल पहन के निकला था मैं, कि बारिश हो रही है, आधे रास्ते आके आप ही निकल आए हो। जय हो महाराज, बहुत बढ़िया। ऐसे ही हमारे मज़े लेते रहा करो बस। ये देखो गाइस हो रहा है ना बादल, अभी भी हो रहे हैं मजाक से हट के, इतनी तगड़ी बारिश हो रही थी अभी। और यहाँ पे देखो कुछ नहीं है, ऐसा लग रहा है मतलब खुले घूम रहे लोग। यार माइक ना मैंने अभी बताया था ना आप लोगों को, मैंने माइक वगैरह माउंट नहीं कर रखा है। तो माइक की जो मतलब जो लीड है ना वो मैंने अभी दांत से दबाई हुई है, तो हो सकता है आप लोगों को आवाज़ भी ना थोड़ी वैसी आ रही हो, दबी दबी सी, पर कोई बात नहीं। तो इंदिरापुरम वसुंधरा दिल्ली, तो गाइस अपने को जाना है दिल्ली। ये देखो लाल परी बलैनो, ओ भाई साहब, भाई ज़्यादा भी नहीं तो 120 प्लस लेके जा रहा है यार बंदा। भाई पता नहीं यार लोग इतना स्पीड से क्यों चलाते हैं यार, मत चलाया करो भाई। ठीक है गाड़ी है मशीन है, आई नो कि जब पंजा लगता है एस्केलेटर पे तो मन करता है कि बस खींच दो, रोड खाली दिख रही है तो। बट यार साथ साथ ना ये भी ध्यान रखना चाहिए हम लोगों को कि कोई है जो इंतज़ार में है आपके, जहाँ आप जा रहे हो कोई भी हो चाहे उसमें, मतलब कि आप कहीं मीटिंग में जा रहे हो बॉस वेट कर रहा है, घर जा रहे हो घर वाले वेट कर रहे हैं, बच्चे घर पे वेट कर रहे हैं। देख रहे हो ये सारा, जब मैं नोएडा जॉब करता था तो यहाँ कुछ भी नहीं था ये। अभी देख रहे हो बिल्डिंगें बन गई हैं भाई साहब, पता ही नहीं लगता कि ये इंदिरापुरम वसुंधरा का इलाका है। ये देखो रात में ना ये रोड एकदम मस्त लगती है, जब ये जल रहे होते हैं ना, ये जो साइड लाइट लगाई हुई है ना रोड पे,
वे जल रहे होते हैं, तिरंगा बना होता है इन पे, मज़ा आता रहा था। कोई नहीं, अरे भाई देख रहे हो ये ट्री लाइट पे लग के कैसी हो रही है, बेल ऐसे लग रही है जैसे वो थी ना, क्या बोलते हैं, चिड़िया की चोंच। क्या वर्ड निकाला है, चिड़िया की चोंच भाई साहब। मतलब खाली रोड हो और हाथ में बंदों के गाड़ी हो, फिर नहीं देखना सामने कौन जा रहा है कौन आ रहा है। भाई साहब 120 प्लस 140, पता नहीं यार क्यों इतना ड्रिल करते हैं लोग। यार थोड़ा लेट पहुंच जाओगे भाई, बट आराम से पहुंचो ना, काहे को इतनी जल्दी दिखानी है ब्रो। और सामने पहाड़ आ गए हैं हमारे दिल्ली के। वैसे वाले पहाड़ नहीं, कूड़े का पहाड़ है यार दिल्ली में। ओ भाई देख रहे हो धुआं गाड़ी का, भाई साहब बाइक का ऐसा लग रहा है मतलब कि बस तेल ही तेल पी रही है और कुछ कर ही नहीं रही। लोग पहले ठीक नहीं करवाते, बाद में पता लगता है ना जब इंजन सीज हो जाता है बिल्कुल, तब तक चलाते हैं लास्ट तक। जब इंजन सीज हो जाएगा बस तभी। सेम यार मिडिल क्लास स्टोरी ना भाई, जब तक नींबू की एक एक बूंद नहीं निकाल लेंगे ना नींबू से, तब तक नींबू फिकना नहीं चाहिए। चाहे उसको दोबारा एक गिलास पानी में दोबारा निचोड़ना हो, लेकिन वो नींबू निचड़ेगा भाई, ऐसे नहीं रखा जाएगा। रेल लेनी है मिडिल क्लास वाले। यार अभी थोड़ी देर में इंडिया गेट पहुंच जाऊंगा, बट आप लोगों को वहां पे दिखा नहीं पाऊंगा यार नज़ारा में, क्योंकि सीन ये है मेरे को अभी ये दिल्ली में घुसते ही बंद करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे ना गाजीपुर एंट्री लेते हुए, क्योंकि मैंने बताया था आप लोगों को कि मैंने इसको माउंट तो कर लिया है लेकिन अभी प्रॉपर तरीके से माउंट नहीं हुआ है, तो अभी ये मेरे को निकाल के रखना पड़ेगा। बट यस ट्राई करूँगा, अगर रुक के बना लूँ वीडियो तो आई विल ट्राई कि मैं आपको दिखा दूँ आप लोगों को। देख लो यार कितना मस्त कलर लग रहा है इसका, गोड ग्रीन एंट्री और ग्रीन एवेन्यू। बाकी आप सामने देख लो पहाड़, कूड़े का पहाड़। मौसम तो खुला ही लग रहा है यार, लग नहीं रहा कि बारिश होगी, तो कोई बात नहीं अब तो निकल आए यार। चलो पहुंच गए हैं हम गाजीपुर, यहाँ से डाइट लेके अपन चलते हैं दिल्ली में एंट्री करने, आनंद विहार वसुंधरा मोहन नगर। ओके मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।